मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया है कि मंडी जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र व स्थायी विकास पर बल दिया जा रहा है। ग्रामीणों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण से लोगों का बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र व स्थायी विकास पर बल दिया जा रहा है। ग्रामीणों के सामाजिक व आर्थिक विकास में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण से लोगों का बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। ये बात उन्होंने उपायुक्त सभागार में आयोजित प्रेस से मिली कार्यक्रम में कही। इस मौके पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की योजनाओं एवं बीते डेढ़ साल की उपलब्धियों को मीडिया के साथ साझा किया गया। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि मनरेगा के तहत जिले में दीर्घकालिक विकास के लिए काम किया जा रहा है। स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण व आजीविका अर्जन के साधन खड़ा कर गरीबों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गृह पंचायत मुरहा में लोगों ने मनरेगा के जरिए अनेक नए कार्य किए हैं। वहां लोगों ने मनरेगा में एक बड़े तालाब का निर्माण कर पर्यटकों के लिए बोटिंग की सुविधा सृजित की है। इसके अलावा मनरेगा के साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं का एकीकरण कर एक सम्मेलन कक्ष का निर्माण किया गया है। मनरेगा के काम को लेकर अन्य पंचायतों को भी मुरहाग पंचायत से सीख लेने और उनके मॉडल को अपनाने को कहा गया है। मंडी जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत 47,81,00,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 19 अगस्त 2019 तक 21,78,000 कार्य दिवस अर्जित कर जिले में योजना का 139% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इसके अलावा पिछले साल जिले में 72,24,000 कार्य दिवस सृजित किए गए। इस दौरान 184,42,00,000 रुपए व्यय किए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सामान्य एवं अनुसूचित जाति व जनजाति बीपीएल परिवारों को भी घर बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। पिछले साल 464 घरों के निर्माण के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। योजना के तहत 193 मकानों में मुरम्मत कार्य के लिए लाभार्थियों को करीब 50 लाख रुपए दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकान के मामले में पुनर्निर्माण के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान किया है। प्रशासन उन्हें तुरंत राहत प्रदान करने एवं पुनर्निर्माण में सहायता सुनिश्चित बना रहा है। योजना के तहत जिला में चालू वित्त वर्ष में अभी तक 19 घरों के लिए 38 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अलावा ऐसे परिवार जो विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन किन्हीं कारणों से ग्राम सभा की अनुशंसा सूची में शामिल नहीं है, उनकी मदद के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना में विशेष प्रावधान किया गया है। ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए कुल लक्ष्य का 5% सुरक्षित रखा गया है। ऐसे मामलों में उपायुक्त की अनुशंसा पर ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ने 16 मकानों के निर्माण के मामलों को स्वीकृति दी है। लाभार्थियों को 20.80 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के तहत मंडी के हर विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनाए जा रहे हैं। गत वर्ष चौंतरा बल गोहर करसोग तथा द्रंग विधानसभा क्षेत्र तथा इस वर्ष धर्मपुर सुंदरनगर सदर सराज व गोपालपुर में लोक भवनों के निर्माण के लिए 30-30 लाख रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में भूमि चयन के बाद सामुदायिक भवन का निर्माण 2 वर्ष में पूरा किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिले में 217 चिन्हित पंचायतों में लगभग 6,44,00,000 रुपए की राशि व्यय कर ठोस पर तरल कूड़ा प्रबंधन के कार्य को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इन पंचायतों में 33 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण पर लगभग 65 लाख रुपए की राशि खर्ची जा रही है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा के 2 गाँव को प्रतिवर्ष आदर्श गांव बनाने के लिए चयनित प्रत्येक गांव को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। योजना के तहत जिला को कुल 14 करोड़ रुपए खर्च जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गरीब परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 7 स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया गया है। अधिक से अधिक महिलाओं को इस कार्यक्रम से जोड़कर स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं ताकि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बन सकें। रूर्बन मिशन के तहत विकास खंड
बाली चौकी के अधीन ओट क्लस्टर की 6 पंचायतों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित पंचायतों में स्थानीय आर्थिक विकास कार्य पर 50 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। पैसे मिले कार्यक्रम जो पहले जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा था उसको आज हमने दोबारा शुरुआत की है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा मकसद है कि जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं वो प्रेस के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंच पाए, और प्रेस के जो लोग हैं जिनको पता है कि अगर कोई स्कीम में कोई कमियां हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो उसकी फीडबैक भी हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पास आती है, ताकि हम अपने सर्विस डिलीवरी को और बेहतर बना सके, और अगर कुछ सरकार के स्तर की बात है तो हम सरकार को भी इसको इन्फॉर्म कर सकें। तो ये अच्छा कार्यक्रम है, कई दिन से हम सोच रहे थे इसको चलाने के लिए, पर आज आखिर हमने इसको शुरू किया है। हर महीने अलग अलग विभाग जो है वो प्रेस के सामने अपनी अपनी जो स्कीम्स के बारे में बताएगा, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएगा, जिससे कि आम जनता को इसका लाभ मिले। कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।